तो ये गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ईयरफोन के बारे में जो गेमिंग में और म्यूजिक में सबसे कमाल का देखने को मिल जाएगा और ये बजट में हाई प्राइस नहीं है और काफी कमाल का ईयरफोन है। चलिए वीडियो में आगे हमारा बॉक्स देखते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो सिंपल है यार, ये आप देख सकते हो सिंपली केस देखने को मिलता है अपन को। प्राइस को कंसिडर करें तो क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की देखने को मिल जाती है। तो भाई सिंपली अपन को ईयरफोन्स देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पॉकेट दी गई है जिसके अंदर आप इस ग्रिप्स को डाल सकते हो। अब बात करते हैं हमारे मेन ईयरफोन्स के बारे में, पेट्रोन का ईयरफोन। क्या है भाई इस ईयरफोन में, क्या इसके अंदर जादू निकल के आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, बट इस ईयरफोन से बेस्ट ईयरफोन आपको नहीं देखने मिलेगा। बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल ड्राइव देखने को मिलते हैं भाई। अब डुअल ड्राइव क्या होता है, देखो नॉर्मल ईयरफोन्स में आपको दो ड्राइव देखने को मिलते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। इसके अंदर आपको राइट में दो देखने को मिलेगी, लेफ्ट में दो, यानी कि 8mm के चार ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 kHz तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है। स्पीकर की सेंसिटिविटी है वो आपको 101 dB से लेके +3 dB तक ये चला जाता है, तो ये भी भाई काफी ज्यादा इंप्रूव करता है आपके साउंड को। मतलब ये समझ लो कि इसको लगाने के बाद भाई डीजे को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद डीजे अपने कानों पे महसूस करोगे। एक और गंदा जो माइक सेंसिटिविटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको -40 dB के अराउंड से लेके आपको +3 dB तक देखने को मिल जाता है। तो माइक की अगर बात करें तो माइक भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करके दिया गया है। मैं इसको 7 से 8 दिन हो गए मेरे को इसको यूज़ करते हुए, बट मेरे को कोई इशू नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा कमाल का माइक है, पे ये मेरे को गेमिंग में बेस्ट निकाल के देता है। यहाँ पे बेस इसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलता है, जिसको बेस ज़्यादा काफ़ी पसंद है सुनना, तो उसके लिए एक नंबर चीज़ है भाई। 1.2 मीटर की वायर लेंथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखो बात करें हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में, भाई बिल्ड क्वालिटी कैसी है? तो वायर है TPE जो कि ट्रांसपेरेंट आता है। 7 से 8 दिनों में भाई मैंने इसको कैसे कैसे खदेड़ा, इतनी रूटली इसको यूज़ किया है, इधर फेंक देना उधर फेंक देना, इसका भाई बाल भी बांका नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा कमाल का ईयरफोन है और ये भाई जंजाल नहीं बनेगा, ठीक है? तो आपकी वायर्स उलझेगी नहीं। कनेक्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3.5mm का ऑक्स प्लग देखने को मिल जाता है। फंक्शंस के अंदर आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स देखने को मिल जाते हैं, प्ले पॉज का बटन देखने को मिल जाता है। पेट्रोन का बूम अल्टीमेट V2 जो कि नया वर्जन है, इससे पहले भी आ रखा है मेरे भाई पर वो नया नहीं है। जो इसका नया वर्जन है वो है बूम अल्टीमेट V2, काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसको बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, मात्र 400 रुपये का है, तो जाओ जाके बाय करो। तो यहाँ पे इसका बेस काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, डीप बेस है, तो जिसको भाई बेसी वो सुननी है और जिसको तड़क फड़क सुननी है भाई, भूम भूम चाहिए, तो ये भूम ले लो भाई, काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, under 400 rupees के अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और यहाँ पे भाई लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट में कुछ भी पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी पर्सनल सवाल हो तो जाके वहाँ पे पूछ सकते हो, बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।